आज मैं आपको मिक्सर रिपेयर टूल के बारे में सारी बातें बताऊंगा, कौन कौन सा टूल्स मिक्सर रिपेयर करने में यूज़ में आते हैं, ये जो सारे टूल आप टेबल पे देख पा रहे हैं ये सारे टूल मिक्सर ग्राइंडर रिपेयरिंग के ही यूज़ में आते हैं। इन सभी टूल का मैं आपको यूज़ बताऊँगा। अगर आप मिक्सर रिपेयरिंग का काम करते हैं और ये सब टूल आपके पास है तो आपको पता होगा कि इन टूल का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे रिपेयरिंग में, ठीक है। और अगर आप मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर का काम करना चाहते हैं या फिर आप सीख रहे हैं और बिगिनर लेवल में है तो आपको इस टूल का जो है यूज़ पड़ने वाला ही है। अगर आप अभी नए से काम स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये टूल खरीद लीजिए ताकि आपको मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर करने में आसानी हो। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये कौन सा टूल किस यूज़ में आता है और इसकी आपको प्राइस कितने गिरने वाली है। इस वीडियो में मैं जो प्राइस बताने वाला हूँ वो एक ऑफ़र प्राइस है। इसका मतलब यह है कि 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन तक ये ऑफ़र चलेगा। तो आपको अगर ये टूल चाहिए तो आप फटाफट लीजिए ताकि आपको कम प्राइस में ज़्यादा टूल्स मिल सके। इस ऑफ़र की प्राइस है मात्र 800 रुपये। 800 रुपये में ये आपको सारे टूल टेबल पे दिख रहे हैं, सारे टूल आपको मिल जाएंगे, साथ में बम्बू रॉड भी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कपलर ओपनर चाबी से। ये देखिए, ये हमारे कपलर ओपनर चाबी है, इसे कहते हैं कपलर ओपनर टूल्स। तो इसका यूज़ मेन पर्पस ये है कि हमारे चटनी पॉट के नीचे ये जो हमारे कपलर है इसके नीचे इस तरह इसको फिटा फंसा दीजिए और इससे ऐसा लूज कर दीजिए। अगर ये राइट हैंड है तो राइट हैंड घुमाइए, अगर ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड घुमाइए। इससे बहुत ही आसान तरीके से आपकी कपलर जो है वो रिमूव हो जाती है। ये देखिए, मैंने बहुत ही हल्के हाथ से इसको रिमूव कर चुका हूँ और ये ऐसे निकल जाती है कपलर, ठीक है। कुछ इस तरह से इस टूल की मदद से आप इस कपलर को ओपन कर सकते हैं। इन एमएम की टी है ये, जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। कोशिश करें आपके मार्केट में अगर ये अवेलेबल है तो इसको वहाँ से ख़रीद लीजिए, अगर ये नहीं अवेलेबल है तो हमारे पास से ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो इसका टूल ये है, इसका यूज़ ये है कि हमारे जो चटनी पॉट के नट रहता है ब्लेड के ऊपर, ये नट को ओपन करने में इस टी का यूज़ आता है, जिससे आप बहुत ही आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। चटनी पॉट नट में आपको फिट करना है, ये वाला नट है, ये देखिए, इसमें आप कुछ इस तरह से इसको ऐसे फिट कर देना है यहाँ पर और इसको जो है घुमा देना है, जिससे कि आपका ये नट है वो लूज़ होकर निकल जाएगा। ये देखिए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में हमने ये नट निकाल के दिखाया आपको। ये जो टूल किट है ना, ये प्रोफेशनल लेवल की टूल किट है। आपको अगर मिक्सर का काम करना है ना, सबसे पहले तो आपको ये टूल किट खरीदना ही चाहिए। ये जो है रीमर है। अगर आप अपने मिक्सर के पॉट में बुश लगा रहे हो, उस बुश में अगर गैप कम है, इसका मतलब है कि आपकी ये जो शॉफ्ट है ना, ये उसमें टाइट जा रही है या फिर अंदर जा नहीं रही है, उसमें प्रॉब्लम जा रही है आपको इस शॉफ्ट पे डालने में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस रिमर से मदद से इसको ऐसे फ्री कर देना है। ये बुश को फ्री करने का काम रिमर करता है। आपको ऐसे डालकर ऐसे निकालना है। इससे क्या होगा, देखिए बुश को काटेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे बुश को इसके काटा है और बुश की कुछ परत जो है इसमें चिपक गई है। ये बुश को छिलने का काम करता है। आपको ऐसा कुछ डालकर इसको घुमाना है ताकि आपका बुश जो है फ्री हो जाए। तो ये जो टूल है ये हमारी जार की ब्लेड हो गई। तो ये जार के ब्लेड का नट ओपन करने का टूल है। इसके ऊपर ये नट रहता है, ये देखिए ब्लैक वाला नट। अगर आपको जार की ब्लेड अगर लूज करनी है या फिर निकलनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो टूल है इसको यहाँ पे ऐसे डालकर इसको घुमाना पड़ेगा। ये उस काम में आता है। ये 12 mm की टी है, ये भी आपके मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाती है। अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है तो वही से खरीद लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, ये जो है ये इसका यूज़ ये है कि हमारा जार का जो नट रहता है, जार नट, उसको निकालने के यूज़ में ये आता है। ये देखिए, हमारा ये जार का बेस का नट है, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर डालेंगे और इसको घुमाएंगे, जिससे कि क्या होगा, ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल से ये जो नट है वो ढीला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे जो स्टील है उससे लूज होकर निकल जाएगा और हम इसको टाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, इसमें खासियत हमारे पास टूल में ये है कि आप अगर ये बम्बू रॉड लेते हैं तो उसमें भी पीछे के साइड में आपको ये मिलता है इसको ओपन करने का, आप उससे भी इसको ऐसे कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इसके बारे में। अभी हमारे पास दूसरे टूल दो रह गए, जो लास्ट में हमारे पास है वो है ये दो रॉड। अभी आप सोच रहे होंगे ये रॉड ये किस काम के है, तो आप देखिए, अगर ये पतला वाला रॉड जो है वो हमारे चटनी पॉट में जो बुश आता है उसको रिमूव करने का टूल है। ये जो टूल है ये हमारा हमारा बुश रिमूव टूल है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे स्टैंड पर रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे ऐसे डालेंगे इसको बुश को, और ऊपर से जो किसी भी हार्ड सरफेस से इसको टोकेंगे, जिससे कि ये बुश जो है इसकी जगह छोड़कर ये निकल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से आप इसका बुश निकाल सकते हैं ये पतले वाले शॉप से। अब बात करते हैं ये बड़े वाले शॉप का क्या यूज़ आता है। तो बड़े वाले शॉप का यूज़ ये है कि आप इससे जार का बुश निकाल सकते हैं। ये देखिए,
हमारे पास जार का बेस है, तो जार का बेस निकालने के लिए आपको बड़े वाली शॉफ्ट का यूज़ आएगा। बड़े वाली शॉफ्ट को आप ऐसे डालेंगे और इसको इस बम्बू रॉड में रखना है ताकि आपका ये जो बेस है ना ये टूटे ना। एक प्रॉब्लम होने वाली है, अपन जब इसमें ठोकेंगे तो इससे क्या हो सकता है कि ये जो बेस है ये टूटने की चांसेस रहते हैं। उससे क्या होगा कि इसको हम इस बुश स्टैंड पे रखेंगे और इसको ऊपर से हम प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा बुश जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और उसके साथ आपको हमारे पास से ये भी मिलेगा, बम्बू रॉड मिलेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास क्या क्या इस किट के साथ अवेलेबल हो जाएगा। बम्बू रॉड मिलेगा, इसके साथ बड़ी वाली और छोटी छोटी दो शॉफ्ट मिलेंगी, उसके साथ आपको एक हमारा जार का नट ओपनर मिलेगा, चटनी पॉट नट ओपनर मिलेगा, कपलर ओपनर मिलेगा आपको, उसके बाद रिमर मिलेगा, उसके बाद हमारा जो जार का नट रहता है, जार नट का नट निकलने वाला, ये जो है सफ़ेद वाला, ये देखिए ऐसा ऐसा लगेगा, ये भी आपको उसके साथ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर इतने सामान आपको इस किट के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके कुछ न्यू वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।